मैं वीरेश शांडिल्य एंटी टेररिस्ट इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो आज पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने जम्मू कश्मीर के उरी मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर हमारे शहीद जवानों को 19 जवानों को शहीद किया आत्मघाती फिदायीन हमला करके और 30 से ज्यादा जवानों को घायल कर दिया। मेरा फ्रंट इसकी निंदा करता है, मेरा फ्रंट यह मांग करता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वहां तुरंत 370 अब खत्म की जाए। किसी सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं, किसी डेलीगेशन को भेजने की जरूरत नहीं। यह पाकिस्तान आस्तीन का सांप है और हाफिज सईद को वैसे ही मौत के घाट उतारा जाए पाकिस्तान में घुसकर, जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन का बदला लिया और पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मौत के घाट उतारा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इसके लिए पाकिस्तान में भारतीय सेना के साथ जाने के लिए तैयार है। और मैं आज फिर लश्कर ए तैयबा के प्रमुख जिन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारा, मैं उस हाफिज सईद जो लश्कर ए तैयबा का प्रमुख है, मैं आज फिर घोषणा करता हूं कि जो इस कुत्ते के बीच का जो हाफिज सईद जो जड़ है, जो भारत की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहा है, वहां युवाओं को गुमराह कर रहा है, मैं उसकी गर्दन की 50 लाख रुपए की फिर कीमत लगाता हूं। और इसके कुत्ते जो जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, मोदी जी आप हमारी हमें आदेश दें कि हम जम्मू कश्मीर में जाकर कैसे आतंकवादियों को जो है कैसे वहां की आवाम को आपके साथ जोड़कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की मुहिम में सेना का, सरकार का और केंद्र सरकार का साथ दे सके। वहीं मैं अलगाववादी नेताओं से अगर 48 घंटे के अंदर वही आतंकी घमने के लिए पाकिस्तान को नहीं कोसते, उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते, तो चाहे गिलानी हो या यासीन मलक या मीर वाइज, इन सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में गिरा जाए, ताकि क्योंकि यही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं। ये भी कुत्ते के बीच हैं। मैं हाफिज सईद के साथ आज इनके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं और मैं भारत के देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि मोदी जी इन आस्तीन के सांपों के साथ अब डायलॉग नहीं, अब बातचीत नहीं, अब सिर्फ गोली का जवाब गोली से, अब इनके घर में घुसकर घुसपैठ करके इनको मारा जाए। और मैं मांग करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वार चल रही है प्रोक्सी वार पाकिस्तान की ओर से, इसके लिए जो भी अगर हमारा जवान शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया, उसके परिवार को 1 पंप, आश्रित को 1 नौकरी दी जाए। अब ये डिक्लेयर किया जाए कारगिल की तरह का युद्ध। और पाकिस्तान, हम हिंदुस्तानियों को संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमारा थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के मानचित्र से मिटाने के लिए जो ये शेर हिंद, जो ये महाबली, जो ये सरदार पटेल के रूप में जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जन्म लिया, मोदी जी आपसे लोगों को बहुत आस है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपके लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है, हम आपके साथ हैं। आप आज जो जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुआ, आप इसका बदला लेने के लिए, अगर इससे डबल लोग नहीं मरते पाकिस्तान के, तब तक भारत के लोगों को भी ये जो है ना दुख मन से निकलेगा नहीं। साथ ही मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से और मुक्ति महबूबा मुक्ति से मांग करता हूं कि जो आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के उरी के अंदर मौत के घाट उनको उतारा गया हमारी सेना ने, उनका जो संस्कार है वो श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर उनको लटका कर, उनको मिट्टी का तेल भूक कर, उनको मिट्टी के तेल से आग लगा देनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देश में मैसेज आए कि दहशतगर्दों का क्या हाल होता है हिंदुस्तान में। वही अगर ये काम भारत सरकार नहीं कर सकती, मैं एंटी टेररिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ये काम करने के लिए तैयार हूं। मैं एक संदेश दूंगा देश में युवाओं को, मैं एक संदेश दूंगा इन आतंकवादियों को, हाफिज सईद कुत्ते को, हाफिज सईद के गुर्खों को, पाकिस्तान की ISI को, ताकि पाकिस्तान भारत की तरफ बुरी आंख न देख सके। जय हिंद जय भारत। मेरी मूवमेंट से जुड़ो 82-91-33-33। अब पूरे देश के युवाओं को सरकार के साथ खड़ा होगा, जम्मू चलो, मोदी जी हमें बताएं, राजनाथ सिंह जी हमें बताएं, मनोहर पर्रिकर हमें बताएं, हम वहां जाकर एंटी टेररिस्ट फ्रंट चलाने के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर के अंदर। जय हिंद जय भारत।